कच्छना प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर पासेना दरियाई तट पर तोफानना कारणे स्थिति भयावह स्तरे पहोंची छे। ગઈકાલે અહીં લેન્ડફોલની પણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી। 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। જોકે હજુ સુધી જિલ્લામાં ચક્રવાતના પગલે કોઈ સુધારો જોવા મળ્યો નથી। આ અંગેની વધુ વિગતો જાણવા કચ્છથી અમારા સંવાદદાતા કૌશિક કાંટેચા જોડાયા। જાણીએ વધુ માહિતી। कोटेश्वर मंदिर है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे जो साइक्लोन बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ था, इस वक्त साइक्लोन बिपरजॉय सीवियर कैटेगरी में आ चुका है। कल रात को लैंडफॉल जो हुआ उसके बाद से वेरी सीवियर से सीवियर कैटेगरी में आ चुका है और आज दोपहर को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होगा और उसके बाद आज शाम तक ये डीप डिप्रेशन में भी तब्दील होने की आशंका है। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे इससे पहले एनडीआरएफ की टीम भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, लोगों को अपने घरों पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे भी पूरी जो जगह है उसको सेव करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आते वक्त हमें बहुत जगहों पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, पेड़ है, वो पड़े हुए नजर आए, उनको हटाने का काम भी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जो कम्युनिकेशन लाइन है इस वक्त मोबाइल कम्युनिकेशन लाइन एक तरफ से कच्छ के पूरे इलाके में ठप पड़ा है, लेकिन उसको फिर से रिस्टोर करने की बात चल रही है, कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द उसको करने में भी ये कामयाब हो जाएंगे। क्या पर्सन वीर साथ में तापोष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कच्छ, गुजरात।